यूं तो जीवन शुरू होकर समाप्त हो जाता है, परंतु इंसान का कर्म उसको उसके जीवन की महत्ता से सराबोर करता है। कुछ लोगों में कुछ अच्छा कर जाने वाला एक्स फैक्टर भगवान से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा ही एक्स फैक्टर अमरावती जिले के अचलपुर नगरी के छोटी खिड़की गेट के पास स्थित एक पंचर की दुकान में देखने को मिला, जहाँ मौजूदा वक्त में प्राय लुप्त होती चिड़ियाओं की चहचहाट उस परिसर के वातावरण को आह्लादित कर रही थी। जब हमें इस बात की वास्तविकता का ध्यान हुआ, तब हमें भी उस दुकानदार के मानवीय दृष्टिकोण पर फक्र महसूस हुआ। दरअसल अचलपुर परतवाड़ा रोड पर खिड़की गेट से सटकर एक संजय साइकिल मार्ट के नाम से रिपेयरिंग और पंचर की दुकान है, जिसके संचालक का नाम संजय डांगे है। पिछले 7-8 वर्षों से संजय ने अपनी ही दुकान में एक उपक्रम चला रखा है। वह रोजाना आसमान और जमीन पर भ्रमण करने वाले पंछियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करता है। इन पंछियों की इस व्यवस्था के लिए संजय ने बकायदा अपनी दुकान के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसे स्पॉट बना दिए हैं, जहां बैठकर ये पंछी अपनी भूख प्यास मिटाते हैं, और उन प्रफुल्लित पंछियों को देखकर संजय का मन बड़ा प्रसन्न होता है। संजय की इस उदारता का समर्थन और आभार प्रकट करते हुए यहाँ कई चिड़ियाओं ने अपने घोंसले बना लिए हैं, और दिन भर इन चिड़ियाओं की चहचहाट से उसकी दुकान सहित आसपास का क्षेत्र गूंज उठता है। बात जरूर छोटी लग सकती है, मगर इसके पीछे का मकसद और संदेश काफी बड़ा है। ग्रीष्म ऋतु की आहट लग चुकी है, बेजुबान पशु पंछियों के लिए अगर हमारी भी तरफ से कोई छोटी मोटी ही सही मगर पहल होती रही, ये उस छोटी सी दुकानदार वाले की बड़ी सोच को सलामी होगी। हालांकि प्रतिवर्ष जब भी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, तब सोशल मीडिया पर बड़ी शिद्दत के साथ इन बेजुबानों के पानी की व्यवस्था को लेकर मैसेज वायरल किए जाते हैं। मैसेज करने वालों में से कितने प्रतिशत लोग ये काम भी करते होंगे, यह ईश्वर को ही पता। पर प्रतिवर्ष हमने क्षेत्र की आदिवासी पर्यावरण संगठना को देखा है कि उनके द्वारा क्षेत्र के बहुत से हिस्सों में इन बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। खैर, इस बात को यहाँ और इस वक्त प्रस्तुत करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि कोई मिसाल ऐसी भी बनती रहे जिसमें इंसानियत की खुशबू महकती रहे। पंकज साबू के साथ जयकुमार घिया, विदर्भ न्यूज, अचलपुर।